हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलो हम आज आपको बताएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसमें हम परपेंडिकुलर जेड एक्सिस भी ड्रा कर लिए। ये जो है ये 90 डिग्री का कोण है, एंगल है 90 डिग्री का, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, ये मान लो एक पिंड है, इसमें से इसका एक सेंटर लाइन ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद एक वो ये वाई एक्सिस हो जाता है और एक ये ड्रा करेंगे तो ये हो जाता है एक्स एक्सिस। ये मान लो ये एक पिंड है, ठीक है। लेट आई एक्स आई वाई एंड आई जेड बी मोमेंट्स ऑफ इनर्सिया अबाउट एक्सिस एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। स्टेट्स दैट आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब हमें प्रूफ इसी को करना है। अब ये कैसे होगा, अगर हम आई आई एक्स एक्स एक्सिस पे मोमेंट निकालते हैं तो इसका क्या होगा। जो एक पिंड है ए इंटू वाई स्क्वायर होगा, एक्स एक्सिस पे निकालेंगे तो सेम इसका उल्टा हो जाएगा। अगर वाई पे निकालेंगे तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन मान लो। थर्ड इक्वेशन आई जेड जेड इक्वल टू ए, ये जो है हमारा ये जो ड्रा किए थे ये मान लो एरिया आर है हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए आर इक्वल स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, putting the value of r in equation third, तब हमने क्या पाया, वी गेट
आई जेड जेड इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर। तो आई जेड जेड इक्वल टू ए हम कॉमन ले लिए, तो बचा क्या मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे हम ये भी लिख सकते हैं आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई वाई। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो है वो आई एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर था एंड आई वाई वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर था। इक्वेशन आप देख सकते हैं, इस तरह हमने पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम प्रूव कर दिया। ये आपके एग्जाम में, डिप्लोमा के एग्जाम में कम से कम 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है।